चकेरी के जाजमऊ स्थित असरफुल उलूम अशरफाबाद मदरसे में 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले। कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि बिहार के रहने वाले 90 छात्र जाजमऊ स्थित असरफुल उलूम अशरफाबाद मदरसे में रुके हुए हैं। ये सभी छात्र बिहार के रहने वाले हैं और अशरफाबाद के मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं और लॉकडाउन के चलते यह सभी छात्र अपने घर वापस नहीं जा पा रहे, जिसके बाद अशरफाबाद मदरसे पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई थी, जिसमें सभी छात्र नॉर्मल निकले थे। इसके बाद 35 छात्रों की कोरोना जांच के लिए उनके बलगम का नमूना लिया गया था, जिसमें 6 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जाजमऊ स्थित मदरसे पहुंची और सभी 6 बच्चों को हैलट के कोरोना वार्ड में भर्ती के लिए ले गई। वहीं प्रशासन ने पूरे इलाके को बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दूसरी पारी का 5वां दिन आज देख सकते हैं, जो 11 बजे का टाइम, 11 बजे तक टाइम दिया गया था लोगों को सामान लेने के लिए और रास्ते को जमा नहीं करके 11 बजे तक टाइम दिया गया था। वहीं पर आपको बता दें 11 बजे वहीं पत्नी की दुकानें बंद हो जाती हैं और जिनके पास बने हैं वो होम डिलीवरी बराबर घर पहुँचा रहे हैं। लोग समर्थन भी कर रहे हैं और जनता भी समर्थन कर रही है। यहीं पर रोड पर जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आवागमन जो वाहन निकल रहे हैं, खाली ज़रूरतमंद वाहन निकल रहे हैं और जो मेडिकल स्टोर में दवा लेने आते हैं उनके लिए ये खाली आवागमन वाहन निकल रहे हैं। बाकी रोड पर बराबर तैनात पुलिस नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं सख्ती पूरी तरह पुलिस प्रशासन द्वारा कर दी गई है और जो भी यहाँ जनता है पूरी तरह समर्थन कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता है और समर्थन कर रही है बराबर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है और मेरा चैनल के माध्यम से भी आप लोग इसी तरह स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उनके साथ उनके कंधे से कंधा लगाकर चलें। कानपुर से मानसी श्रीवास्तव, इंडियन प्राइम न्यूज़।